जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के पानदरीबा इलाके में बीते शुक्रवार को मारपीट में घायल रिक्शा चालक की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। बीएचयू ट्रामा सेंटर से शव घर आते ही तनाव की स्थिति बन गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव दफनाए जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। दूसरे संप्रदाय के दो आरोपितों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश में दबिश जारी है। कोठियाबीर पुरानी बाजार निवासी पेशे से ही रिक्शा चालक 24 वर्षीय आसिफ अहमद पुत्र जमील अहमद शुक्रवार की शाम सवारियां लेकर कोतवाली क्षेत्र के पानदरीबा गया था। किराए को लेकर विवाद होने पर आसिफ को लाठी डंडे व लात घूसे से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए बीएचयू रेफर कर दिया था। घटना के दूसरे दिन तहरीर के आधार पर दो नामजद आरोपितों पुनीत मौर्य व अंकित मौर्य निवासी पानदरीबा के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ जिसको आके बात करना हो यहाँ आके बात करें और ये 302 का पर्चा काट के दे देंगे, हम नहीं जानते। यहाँ मौके पे हमको FIR कॉपी चाहिए, 302 की FIR कॉपी कोतवाल महोदय ला के यहाँ पे दें। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बात कर लिया और हो गया और आके भाइयों सुनिए सर। और दूसरी चीज कि बहुत हम लोग बहुत देखते हैं वादा करके लोग चले जाते हैं, खुद DM साहब यहाँ पे आके जब तक आश्वासन नहीं देते हम नहीं हटेंगे। किनारे किनारे बात करने दोनों भाई यहाँ पे बैठे हैं, खुद आके यहाँ पे जब तक आश्वासन नहीं देते हम नहीं हटेंगे। यहाँ पे लड़के कत्ता बैठे हम लोग बात करके क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ हमसे आप बात मत करिए, आके पीड़ित परिवार से बात करिए। हमसे बात करने की किसी को जरूरत नहीं है। प्रशासन के लोग आए, DM साहब खुद आए, इन लोगों से बात करें। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया हम बता दें आपको कि FIR पे FIR नहीं होती है, लाइसेंसिंग की धारा बनाई जाती है। वो धारा बिल्कुल बनता है, बिल्कुल जानकारी अभी उनको बात में सोचने की जरूरत नहीं। डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, लड़का इसके पहले भाई नहीं मरा था ना, अब तो मरा पड़ा दिख रहा है ना। अगर आँख हो कुतवाल साहब को दबा के देखे यहाँ पे, ज्यादा नियम हुआ बताने की जरूरत नहीं है।